जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल द रेल यात्री। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं, भारतीय रेलवे की ट्रेनों को फर्स्ट वेव में बंद कर दिया गया था और उसके बाद जब ट्रेन धीरे धीरे करके शुरू हुई हैं तो अधिकतर ऐसी ट्रेन हैं जो अभी तक शुरू नहीं हो पाई हैं। इन्हीं बंद ट्रेनों से जुड़ा हुआ आज का नया लेटेस्ट अपडेट है। रेलवे इसमें से कुछ ट्रेनों को शुरू करने वाला है। किन किन ट्रेनों का प्रस्ताव भेजा गया है, कौन कौन सी नई ट्रेन या फिर कह लीजिए बंद पड़ी पुरानी ट्रेन आ सकती हैं, उसके बारे में आज के इस वीडियो में जानकारी होगी। हो सकता है जिस ट्रेन का आप सालों से इंतज़ार कर रहे थे उस ट्रेन को रेलवे फिर से शुरू कर दें। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के बाद वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। दोस्तों भारतीय रेल लगभग 12 जोड़ी ट्रेनों को फिर से शुरू कर सकता है, यानी कि इन 24 ट्रेनों को फिर से चलाने का प्रस्ताव रेलवे बोर्ड को भेजा गया है। अब इन ट्रेनों में से किन किन ट्रेनों को भारतीय रेल की तरफ से स्वीकृति मिलती है, बोर्ड की तरफ से स्वीकृति मिलती है, उसके बारे में जैसे ही ये ट्रेन शुरू होने वाली होंगी मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। फिलहाल किन किन ट्रेनों को चलाने के लिए रेलवे बोर्ड को प्रस्ताव भेजा गया है उन ट्रेनों के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ट्रेन नंबर 12831, ट्रेन नंबर 12832 धनबाद से भुवनेश्वर और भुवनेश्वर से धनबाद गरीब रथ एक्सप्रेस, ट्रेन नंबर 13319, ट्रेन नंबर 13320 रांची से देवघर और देवघर से रांची इंटरसिटी एक्सप्रेस, ट्रेन नंबर 18009, ट्रेन नंबर 18010 संतरागाछी से अजमेर, अजमेर से संतरागाछी तक चलने वाली एक्सप्रेस, ट्रेन नंबर 18101, ट्रेन नंबर 18102 टाटा नगर से जम्मू तवी और जम्मू तवी से टाटा नगर तक चलने वाली एक्सप्रेस, ट्रेन नंबर 18113, ट्रेन नंबर 18114 रांची से टाटा नगर और टाटा नगर से रांची तक चलने वाली इंटरसिटी एक्सप्रेस, ट्रेन नंबर 18611, ट्रेन नंबर 18612 रांची बनारस, बनारस रांची इंटरसिटी एक्सप्रेस, ट्रेन नंबर 18613, ट्रेन नंबर 18614 रांची चोपन, चोपन से रांची तक चलने वाली एक्सप्रेस, ट्रेन नंबर 18631, ट्रेन नंबर 18632 रांची से अजमेर और अजमेर से रांची तक चलने वाली एक्सप्रेस, ट्रेन नंबर 18634, ट्रेन नंबर 18633 रांची से पटना और पटना से रांची तक चलने वाली एक्सप्रेस। इन ट्रेनों को फिर से शुरू करने के लिए रेलवे बोर्ड को प्रस्ताव भेजा गया है। इसमें से कुछ बिना रिजर्वेशन वाली ट्रेन भी हैं, उनके बारे में भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ट्रेन नंबर 58026, ट्रेन नंबर 58025 हटिया से खड़गपुर पैसेंजर, ट्रेन नंबर 58663, ट्रेन नंबर 58664 हटिया से सांकी, सांकी से हटिया पैसेंजर, ट्रेन नंबर 18665, ट्रेन नंबर 18666 हटिया से सांकी और सांकी से हटिया तक चलने वाली पैसेंजर। इन पैसेंजर ट्रेनों यानी कि बिना रिजर्वेशन वाली ट्रेनों का भी प्रस्ताव भेजा गया है। आने वाले समय में या फिर मार्च या फिर इस फरवरी के अंत तक हो सकता है इसमें से कुछ ट्रेनों को भारतीय रेल शुरू कर दें। जैसे ही ट्रेन शुरू होगी वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों तक जानकारी पहुंचा दूंगा। कोई सवाल हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आप लोग चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ आप लोगों से किसी और नए वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द रेल यात्री चैनल एंड कीप सपोर्टिंग।